पिछले 4 दिन पहले जो सिद्धार्थनगर टेका में घरफोड़ी हुई थी, उसमें दो जुवेनाइल थे और दो दूसरे रिसीवर थे, चारों आरोपी अरेस्ट किए थे। एक जो फरार था विकास शर्मा नाम का, उसको भी पकड़ लिए। तो उसके जो हिस्से में जो सोना और चांदी आया था वो हम रिकवर किए और उसको जेल भेजा गया। बराबर है, उन्होंने जो चोरी करते वक्त तो एक्टिवा का इस्तेमाल किए थे, एक सकरतरा का था चोरी का और एक इमामवाड़ा का था। वो दोनों गाड़ी का इस्तेमाल करके ये तीन पुट्टे घूम के ये करते थे। उसमें दो जुवेनाइल थे, वो तो पहले अरेस्ट हुए थे। उसमें से करीबन 14 तोला सोना था और 30-35 तोला चांदी था। करीबन 90% पूरा रिकवरी हो गया था और वो फिरियादी को माननीय कोर्ट के आदेश से वापस दिया जाएगा। उसमें जो पंकज नाना भोगे हैं, इमरान है और शेंद्रे, गगन यादव, मेनेवार, इन लोगों का कार्रवाई है। ये टोटल जा 5,35,000 का मुद्देमाल था, जो पुराने रेट के हिसाब से था। करीबन 4,85,000 का मुद्देमाल जब्त की है। तो ये इमामवाड़ा एरिया में रहने वाला था, उधर ही कहीं भागता था, उनको उनके भी चलकपट से भागता था। हमको उसी दिन ट्रेस हुआ था, उसके आधार पर इमामबाड़ा पुलिस ने भी हमको मदद किए और नाना भोगे की टीम ने पकड़ लिए।